हेलो दोस्तों, बांगली खाना पीना चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बना लेंगे लावेर झाल। इसको लौकी का सब्जी इस टाइप का एक बार घर में बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। निरामिस लौकी का सब्जी है। तो पहले देखिए, हम एक ताज़ा लौकी ले लिए हैं और उसके छिलके को अलग करके पतला पतला शेप में इसको काट लेंगे। देखिए, लंबा लंबा करके, ये देखिए इस तरीके से इस शेप में इसको हम काट लेंगे सभी लौकी को। और यहाँ पर हम 3 आलू लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से लंबा लंबा करके लौकी को हम काट लेंगे। भात के साथ ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और ये सब्जी बिल्कुल निरामिष भी है। तो चलिए, इस तरीके से पूरे लौकी को हम काट लिए हैं और यहाँ पर 3 आलू ले लिए हैं। आलू को भी छिलके को हटा करके हम काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब के शेप में। हम 3 छोटे साइज का आलू लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस टाइप के शेप में हम आलू को भी काट लेंगे, पतला पतला छोटा छोटा करके काट लेंगे। अभी चलिए सब्जी को बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिए हैं। अब इसमें उड़द दाल की हम बड़ी ले लेंगे। 4-5 बड़ी लिया है हमने यहाँ पर दोस्तों। आप लोग चाहो तो और थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। यह घर में बनाया हुआ उड़द दाल की बड़ी है। आप लोग कोई भी बड़ी को यूज़ कर सकते हो। तो बड़ी को हम 2-3 सेकेंड तक हल्का सा सुनहरा कलर आ जाने तक भून के एक कटोरी में उठा के रख देंगे। और उसी तेल में हम दे देंगे तड़का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम तड़के में लिया है कलौंजी और सूखा मिर्चा और करी पत्ता। इस सब्जी में करी पत्ते मस्त है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर करी पत्ते का जो टेस्ट है। और इसी टाइम हम आलू को भी दे देंगे कढ़ाई में और देंगे थोड़ा सा हल्दी। तो आप लोग तो जानते ही हो दोस्तों कि हल्दी दे देने से आलू बहुत ही जल्दी जो है फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना पड़ेगा। दे दिए हमने 2 हरी मिर्ची को भी यहाँ पर चीड़ के। अब सभी आलू को और मिर्ची को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाव को हम काट के रखे थे धो के अच्छी तरीके से लौकी को, और आलू के साथ देके इसको भी थोड़े देर तक। तो दोस्तों, लौकी में बहुत सारा पानी होता है और कढ़ाई में देने के बाद पानी बहुत छोड़ते हैं लौकी, तो इसलिए यहाँ पर इस सब्जी में हम पानी का यूज़ बहुत ही कम करेंगे। इस लौकी का पानी से ही हम सब्जी को बना लेंगे, क्योंकि ताज़ा लौकी है, बहुत इजीली बॉयल भी हो जाएगा। अब आलू के साथ लौकी को थोड़ा सा भून के हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, ताकि लौकी जो है हमारा कम हो जाए और थोड़ा सा बॉयल भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ढक्कन को खोल के हम देख लिए हैं, लौकी देखिए कितना कम हो गया है। अब लगभग 2 मिनट तक हम लौकी को तेल में भून लेंगे। सब्जी को भूनना ही इस सब्जी का सबसे अच्छा टेस्ट बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला यह सब्जी में यूज़ नहीं होगा दोस्तों। यह एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब यहाँ पर देखिए, हम स्वाद अनुसार नमक दे दिए स्वाद अनुसार हल्दी, और दे देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको हमने मिक्सी में पेस्ट करके रखे थे।
अब सभी मसाले के साथ फिर से लौकी को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। दोस्तों यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं देंगे हम, क्योंकि नमक दिया है तो लौकी और भी ज़्यादा पानी छोड़ेगा। और कढ़ाई में जो मसाला लग रहा है उसको उठा के इस लौकी के साथ हम मिक्स कर देंगे। इस भुना मसाला से ही इस सब्जी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर हम दे देंगे 2-3 पिंच हींग, ये सनराइज का हींग है। फिर से हींग को मिलाते हुए हम अच्छी तरीके से लौकी को भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किए हैं। लौकी से भी जो पानी निकले है उसी से हम आँच को लो फ्लेम पर रख के इसको धीमे आँच में पका लेंगे। कढ़ाई में जो मसाला लग रहा है उसको भी उठा करके हम सब्जी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दे दिए 1/2 टीस्पून चीनी और 4 बड़े चम्मच दूध, और दूध की कटोरी को धो के 4 बड़े चम्मच या 5 बड़े चम्मच लगभग पानी यहाँ पर हम दे दिए हैं। और दे देंगे फ्राई किया हुआ बड़ी को। अब सभी को एक साथ लौकी के साथ मिक्स करके हम अच्छी तरीके से और एक बार भून लेंगे और मसाले को भी सब्जी के साथ मिला लेंगे कढ़ाई से उठाते हुए। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके की बंगाली ट्रेडिशनल डिश की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और सब्जी कैसा लगा घर में बना के कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ढक्कन लगा करके फिर से 2-3 मिनट तक पका लेंगे सब्जी को, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि लौकी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए लौकी जो है बॉयल हो चुका है, आलू भी हमारा बॉयल हो चुका है उसी पानी में, कितना अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा आलू को भी हम लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरा सब्जी जो है लौकी का झाल बन के रेडी हो गया है। देखिए बड़ी जो है कितना अच्छा पानी के साथ फूल चुका है। इस बड़ी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पानी भी घुस जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सब्जी को हम सर्व कर लिए हैं। भात के साथ खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, गरम गरम दाल भात और कोई भी एक सब्जी के साथ इस सब्जी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, घर में एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा।